एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूड में जो चेंज हो रहा है। एटीट्यूडनल चेंज रिफर्स टू प्रोसेस बाय ए पर्सन, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पर्सन की फीलिंग, बिलीफ एंड बिहेवियर टुवर्ड ए पर्टिकुलर आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन आर अल्टर्ड ओवर टाइम। मतलब एक इंसान की जो फीलिंग है, जो बिलीफ है, जो बिहेवियर है, किसके लिए, किसी आइडिया, ऑब्जेक्ट या किसी इंसान के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, वो टाइम के साथ चेंज हो जाए। मतलब पहले हम कुछ और सोचते थे, अब हम कुछ और सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो ये हो गया एटीट्यूड में चेंज। एटीट्यूड कैन बी चेंज बाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट चैलेंज एग्जिस्टिंग बिलीफ। जो हम बिलीव करते हैं पहले से, उसे चैलेंज करने वाली इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, मतलब उसे तोड़ने वाली इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी है उसी हिसाब से हमारा एटीट्यूड बनता है। अगर हमें पूरा चीज़ पता होगी किसी के बारे में, मतलब पहले हमें बुरी बुरी चीज़ पता थी तो हमारा एटीट्यूड उसे लेकर ख़राब था, नेगेटिव था, फिर पता लगा नहीं भाई इतनी भी बुराई नहीं है, कुछ अच्छाई भी है, तो एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाएगा। तो एटीट्यूड कैन बी चेंज बाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट चैलेंज एग्जिस्टिंग बिलीफ। जो पहले से बिलीफ एग्जिस्ट हमने कर हमारे अंदर है, उसे चैलेंज करने वाली इन्फॉर्मेशन आ गई, तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट प्रोवाइड न्यू इनसाइट और कॉन्ट्राडिक्ट प्रीवियस बिलीफ। मतलब हमारे एक से ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि जो पहले से हम सोचते हैं वो तो सही नहीं है, तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। एटीट्यूडनल चेंज इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल अडॉप्ट न्यू बिहेवियर। एटीट्यूडनल चेंज क्रूशियल किसके लिए, कि कैसे लोग अडॉप्ट करते हैं नए बिहेवियर को। मतलब पहले हम कुछ अलग तरह से बिहेव करते थे, अब कुछ अलग तरह से बिहेवियर करने दिखाने लगे, तो ये हुआ शिफ्ट इन देयर ओपिनियन एंड अडॉप्ट टू न्यू सोशल और कल्चरल नॉर्म्स। हमने नए सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को अडॉप्ट किया, इस वजह से हमारा बिहेवियर में चेंज आया। देयर आर टू अल्टरनेटिव टू चेंज योर एटीट्यूड, कॉन्ग्रुएंट चेंज एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। कॉन्ग्रुएंट चेंज का मतलब इट इन्वॉल्व इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब हमारा जो भी एटीट्यूड है वो और स्ट्रांग हो जाए, यही वो है कॉन्ग्रुएंट चेंज। एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंज वो है इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनली हेल्ड एटीट्यूड। जो हमारा एटीट्यूड पहले से है वो पूरी तरह से बदल जाए, तो ये हो गया इनकॉन्ग्रुएंट चेंज।